जय श्री राम। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं दिल्ली एनसीईआरटी की जो 7th क्लास ए की हिंदी है उसका हम होमवर्क दिखा रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क दिखाने वाले हैं। और इसमें प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं और इसमें हिंदी में बताए गए हैं, बहुत ही सारे टॉपिक ऐसे हैं इसमें दिखाए गए हैं, तो वो ही हम दिखाने वाले हैं। पूरी पूरी फाइल हमने बनाई हुई है उसकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे बनते हैं जब आपके हॉलीडे होमवर्क करना है हिंदी का, ठीक है ना। 7th क्लास ए की बुक है वो, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे की वीडियो क्या क्या हमने उसमें दिखाया है, बनाया है, और उसमें स्टार भी हमें बहुत ही अच्छे से मिल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉन्ट देख सकते हैं, हॉलीडे होमवर्क है ये। और अब आगे दिखाते हैं, ये क्लास देख सकते हैं कितनी है और सब्जेक्ट हिंदी और रोल नंबर 41। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या दिखाया गया है, ये देखिए, ये पर्यायवाची शब्द इसमें बताए गए हैं। तालाब का क्या होता है, जलाशय, सरोवर, और ये है शहर, ठीक है ना। ये चारों, ये जितने भी हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप देख सकते हैं किस तरह डिजाइन से यहाँ पर बनाया हुआ है, और जितने भी लिखे हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अब याद कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये है संज्ञा, किसी वस्तु, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें पूरा दिखाया गया है और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, गांधी जी, मोहन, देविका, रितिका, प्रियंका, राजा, सीतावीता, जो भी इसमें दिखा रखा है, ठीक है ना। खासकर इसमें मेरा नाम नहीं है, और इसमें प्राणी भी दिखा रखा है और वस्तु भी दिखा रखी है। इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके पूरा का, ठीक है। और स्थान भी दिखा रखा है, भाव भी दिखा रखा है, जैसे कि उसमें संज्ञा में दिया हुआ है और इसमें वेरी गुड मिला हुआ है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सर्वनाम है, सर्वनाम की परिभाषा भी इसमें दिखाई गई है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये है क्रिया, क्रिया के बारे में भी सब कुछ बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं निबंध, यात्रा, वर्णन, ठीक है ना। जो हम बाहर यात्रा करने जाते हैं, अपने दोस्तों के, वैष्णो देवी जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं फ्रेंड और फैमिली के साथ में, देख सकते हैं निबंध ये उसके ऊपर लिखा गया है। और आप आराम आराम से वीडियो को स्किप करके, मतलब आराम आराम से देख सकते हैं, बैक करके वीडियो को और देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। इसमें हमें स्टार मिला हुआ है। और ये देखिए प्रिय, मेरा प्रिय खेल, ये क्रिकेट इसमें दिखाया गया है, मेरा प्रिय खेल, ठीक है। क्रिकेट बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे भारत में। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब जैसे भी जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, बहुत ही काफी सारा निबंध ये लिखा हुआ है इसमें। और इसमें देखिए हमें 2 स्टार मिले हैं क्योंकि हमने बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे से लिखा हुआ है इसमें। गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखा हुआ है, पूरे भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं ये पूरा इसमें लिखा गया है, साथ नेक्स्ट पेज पे भी होगा इसमें काफी अच्छे से। हाँ, ये देखिए भारत के संविधान का इतिहास, ठीक है ना, भारत के संविधान के इतिहास के बारे में भी हमें इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट पेज की ओर से निष्कर्ष करके इसमें दिखा रखा है कहाँ कहाँ ये बनाया जाता है और कौन कौन बनाते हैं, बच्चे किस तरह से बनाते हैं। देखिए निबंध, स्वतंत्र दिवस, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक ही हमारा स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय के लिए बहुत खास दिन है। तो इस चीज से सबके बारे में ये हिंदी में ये चीज आती है, तो इसलिए ये सब इसमें लिखे गए हैं। और आगे भी देख सकते हैं, ये है अनौपचारिक पत्र, ये जो पत्र लिखते हैं, ठीक है ना, अपने छोटे भाई और भाई को पत्र लिखिए तथा इसके पढ़ाई के बारे में जानकारी दीजिए या मंगाइए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें लिखा गया है। तो सारे आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। ये हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा, ये होलीडे होमवर्क जो दिया था हमें, बहुत ही अच्छे से हमने सरल कराया है, पर्यायवाची शब्द अपने फर्स्ट टाइम में दिखाए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। चलो अभी पैसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और हिंदी का जो होलीडे होमवर्क हमने दिखाया है इसमें सारी चीज हमने दिखाई है, एप्लीकेशन भी दिखाई है, और निबंध वगैरह, एसे वगैरह जो भी है, पर्यायवाची शब्द और सर्वनाम परिभाषा सारी इसमें दिखाई गई है, और उसके एग्जाम्पल भी अच्छे से हमने दिखा दिए हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बहुत ही जल्दी दिखाने वाले हैं हम क्वेश्चन पेपर जो भी आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।